एयरलाइन कंपनीज को सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बड़ा झटका मिला है। आने वाले समय में हो सकता है कि आपका फ्लाइट का टिकट महंगा हो जाए। सरकारी तेल कंपनियों ने एयरलाइन कंपनियों को झटका देते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के दाम बढ़ा दिए हैं। OMCs ने हवाई ईंधन की कीमतों में करीब 624.37 रुपए प्रति किलो लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। लगातार 4 बार से हवाई ईंधन या जेट फ्यूल के रेट में कटौती की जा रही थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस बार ATF के दाम बढ़ाने के जरिए इस पे हो रही कटौती के सिलसिले पर ब्रेक लगा दिया है। ATF के बढ़े हुए भाव आज से लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 1,01,396.54 प्रति किलो लीटर, तो कोलकाता में 1,10,296.83 किलो लीटर, मुंबई में 94,809.22 किलो लीटर और चेन्नई में 1,05,398.63 प्रति किलो लीटर के दाम पर बिक रहा है ये फ्यूल। पिछले लगातार 4 महीनों से ATF के दाम सस्ते हो रहे थे, लेकिन इस बार ATF के रेट बढ़ाए गए हैं। इसके बाद आशंका है कि हवाई सफर महंगा हो सकता है। दरअसल एयरलाइंस की ऑपरेशन कॉस्ट में कम से कम 50% हिस्सा ATF या जेट फ्यूल का होता है। ऐसे में ATF रेट बढ़ने से एयरलाइन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और इसके बाद वो हवाई टिकटों के दाम भी बढ़ा सकते हैं, जिसका बोझ यात्रियों पर डाला जा सकता है। सरकार ने इस बार घरेलू कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को भी बढ़ा दिया है। आपकी फेवरेट एयरलाइंस कौन सी है हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।